देनी है मसाज। क्लीन हो गई है, इतनी ज्यादा क्लीन अप है। अपनी बाकी की स्किन केयर के साथ में इसको यूज करना शुरू कर दो, चेहरे की डलनेस चली जाएगी, रिंकल चले जाएंगे, बुढ़ापा चले जाएगा, जितनी भी स्किन के ऊपर आपकी डेपोजिशन इकट्ठी हो रखी है वो सारी की सारी हट जाएगी। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड अगर चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा हो गए हैं, नाक के आसपास, मुंह के आसपास कालापन अगर बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये रेमेडी एक वरदान की तरह काम करेगी अगर आप इसको नाइट स्किन केयर में फॉलो कर लेते हैं तो। इसके साथ ही एक ऐसी चीज बताऊंगी जो आपको रेगुलर तौर पे खानी है, जिससे आपकी शरीर अंदर से बहुत ज्यादा आपके कलर को फेयर करेगा, उम्र को आने नहीं देगा, बालों को हेल्दी रखेगा, स्किन इतनी ज्यादा ग्लो करेगी, लाइटें मारेगी कि हर कोई पूछेगा भैया क्या लगा रहे हो। तो क्या करना है चलिए बताती है रेखा सिंह। आपको इस सॉल्यूशन को बना के रखना है, रोज रात को अपनी स्किन पे लगाना है, लेकिन उसको लगाने से पहले हम अपने स्किन का एक क्लीनअप तैयार करेंगे। और क्लीनअप ऐसा होने वाला है नी जी, पार्लर के हजारों रुपए इसके सामने आपके फीके पड़ने वाले हैं। चलिए कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। हमने ना एक बाउल लेना है और इसमें तैयार करना है हमारे फेस का एक क्लीनअप। इस क्लीनअप को तैयार करने के लिए हमने लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मार्केट वाला एलोवेरा लेंगे चाहे घर वाला लेंगे, लेकिन अगर आप घर वाला ले रहे हैं तो इसको आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मार्केट वाला ले रहे हैं तो इसको बना के एक हफ्ते के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। रोजाना रात को आप अपनी स्किन केयर करने से पहले ये वाला क्लीनअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया एक चम्मच एलोवेरा जेल। इसमें अब हम डालेंगे कॉफी, ठीक है जी। कॉफी आपके कलर को बहुत बढ़िया से फेयर करती है, स्किन को एक्सफोलिएट करती है। भैया पुराने से पुरानी अगर रफनेस है चेहरे के ऊपर वो सारी की सारी गायब होती है, चेहरे के ऊपर व्हाइट हेड ब्लैक हेड है वो सारे गायब हो जाते हैं। तो हमने लेनी है कॉफी, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, बस ये दो ही चीजें मिक्स करनी है, इसके अलावा क्लीनअप में हमें कुछ और नहीं चाहिए। और अच्छे से इसको मिक्स करके आप रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कॉफी डबल ऐड कर सकते हैं, यानी कि दो पैकेट कॉफी के आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको कॉफी ज्यादा अपनी स्किन के ऊपर पसंद है तो, ठीक है। मैंने एक चम्मच कॉफी इसमें मिक्स कर ली है, बढ़िया जाता है। चेहरा बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, स्किन केयर करने वाले हैं उसके पहले आपने इसको यूज करना है, ठीक। मैं इसी के साथ ही अपने चेहरे का क्लीन अप कर रही हूँ। अप्लाई करने के लिए हम लेंगे कॉटन का टुकड़ा अच्छे से, ताकि स्किन के ऊपर बढ़िया से लग जाए, क्योंकि हमने इसमें कोई पाउडर नहीं ऐड किया तो ये हमारी स्किन के ऊपर ऐसे तो लगेगा नहीं। तो आपको कॉटन की हेल्प के साथ में इसको अपने चेहरे के ऊपर रब करना है बढ़िया से, ठीक है जी। ये देखिए, जहां पर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो गई है, जहां आपको लग रहा है चेहरे के ऊपर व्हाइट हेड ब्लैक हेड बन गए हैं, वहां पर आपने इसको जरूर से जरूर लगाना है, ठीक है। चलिए अब बढ़िया से हम स्क्रब कर लेते हैं। नाक के पास में जरूर करिएगा, अच्छे से स्क्रब करिएगा, स्किन एकदम से चमकदार हो जाएगी आपकी। और ये जो मसाज होती है ना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। मसाज जरूर करना चाहिए चेहरे के ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज होता है तो चेहरे के ऊपर ग्लो भर भर के आता है। एक लेयर और इसके लगा लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तब तक तो अब मैं इसको लगा के रखूंगी और तैयार कर लेते हैं क्लीनअप। ये है विटामिन ई का कैप्सूल। मुझे डॉक्टर ने इसको रेकमेंड किया था, जब भी आपकी एज यानी कि 30+ हो रहे हैं आपको विटामिन ई का कैप्सूल कंज्यूम भी करना चाहिए। यह आपकी बॉडी को अंदर से हेल्दी रखता है। बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, नेल टूट रहे हैं, स्किन डल हो रही है, चेहरे के ऊपर आपको एजिंग लाइन, अर्ली साइन ऑफ एजिंग दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से एक बार पूछ के हफ्ते में चाहे तो एक बार कंज्यूम जरूर कीजिए। इसके अलावा आपको A to Z मल्टी विटामिन कैप्सूल्स जो दवाई होती है वो जरूर खानी चाहिए, एक बार अपने डॉक्टर से पूछिएगा, क्योंकि अक्सर 30 के बाद में हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी आने लगती है विटामिन्स की, जो कि खाने से पूरी नहीं होती। मैं A to Z कैप्सूल्स खाती हूं और मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है इसके बारे में, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछिएगा, क्योंकि कई बार बाल गिरने का, स्किन के डल होने के पीछे हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी भी एक रीजन होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐसे ले लेना है। ये इवियन के नाम से आपको केमिस्ट की शॉप पे मिलते हैं, ठीक है, आराम से मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, 20-22 रुपए या 30 रुपए का पत्ता होगा आई थिंक, और उसमें आपको 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं, तो क्या ही बुराई है। मार्केट में अगर आप विटामिन ई का क्रीम लेने जाते हैं कितनी महंगी मिलती है। तो ये सॉल्यूशन अभी हम बना के रख रहे हैं। मैं इसको दांत से ही कट इसलिए की हूं क्योंकि मैं इसको कंज्यूम भी करती हूं, तो अगर ये मेरे मुंह में भी चले जाएगा तो मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खाती भी हूं इसको, ठीक है जी। एक हमने विटामिन ई का कैप्सूल लिया, एक हफ्ते के लिए बहुत अच्छे से आपकी क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके साथ में मैं इसमें मिला रही हूं ग्लिसरीन की 8 से 10
बूंदे, ठीक है। ग्लिसरीन आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है, आपके स्किन के ऊपर एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, स्किन को हाइड्रेशन देती है। ग्लिसरीन हमारी बहुत सारी जितनी भी आप ब्रांड्स की क्रीम्स वगैरह लेते हैं उनमें ग्लिसरीन पाई जाती है। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो हमने ले लिया है ग्लिसरीन, करीब 7 से 8 बूंदे आपने एक कैप्सूल के साथ में लेनी है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों। मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल की 2 से 3 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं डालूंगी, 2 से 3 ड्रॉप डालूंगी। आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, आप बादाम का तेल भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। ये नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं इसमें मिला रही हूँ रोज वाटर, ये आप पतला भी बना सकते हैं, गाढ़ा भी बना सकते हैं। मैं ऐसा बनाऊंगी कि आराम से मैं लगा सकूं, तो मैं करीब करीब इसमें 2 चम्मच के आसपास रोज वाटर मिक्स कर लूंगी। और अच्छे से जरा पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि इसमें और क्या चीज डलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल है, ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं जल्दी रोज वाटर में, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रेमेडी के ऊपर, आपके सॉल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सारे मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको स्किन पे लगाएंगे अपने तो आपकी स्किन के ऊपर बढ़िया से एब्जॉर्ब कर जाएंगे आपकी स्किन के अंदर। और लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच एलोवेरा जेल की, बहुत ज्यादा नहीं मिलानी है, इतनी मिला लीजिए काफी रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, अच्छा सा एक सोल्यूशन, ठीक भी नहीं, मतलब सेमी थिक काइंड ऑफ जैसे सोल्यूशन होता है ना, वो हमें मिलना चाहिए। आप इसको स्प्रे बॉटल में डाल के रख सकते हो, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है आप कॉटन की हेल्प के साथ में भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का आपको ये सोल्यूशन बन के मिल जाएगा। और ये अब हम इसको हटा लेते हैं और देखिए कितने बढ़िया से स्किन एकदम क्लीन हो गई है, इतनी ज्यादा कि भाई देख के बिलीव नहीं होता है, बहुत अच्छा क्लीनअप है। जो कॉफी होता है वो हमारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट क्लीनअप माना जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्लीन कर लेते हैं, हल्का सा मैंने पानी के साथ में वॉश कर लिया, साबुन वाबुन कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम लेंगे हमारा ये जो सॉल्यूशन है इसको अच्छे से, और कैसे लगाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आंखों के नीचे पफिनेस है, आंखों के नीचे बहुत ज्यादा अगर आपको रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं या स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा आपको रिंकल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन द बेस्ट सॉल्यूशन है आपकी स्किन के लिए। एजिंग के ऊपर भी काम करता है, कलर के ऊपर भी काम करता है, ड्राइनेस के ऊपर भी काम करता है, हाथों पैरों के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो, और उसके बाद में आपने देनी है मसाज। देखिए जी इस तरीके से आपने ले लेनी अच्छी वाली मसाज बढ़िया से अपने चेहरे के ऊपर, ये देखिए, और इसको लगा के आप पूरी रात के लिए सो सकते हो, बिल्कुल भी आपको चिकनापन नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऑयल्स कम डाले हैं, रोज वाटर ज्यादा डाला है, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन देने वाला है भर भर के।